हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वर्तिका सिंह एंड आज हम पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम दो लिस्ट लेंगे और उसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है। सो लेट्स टेक टू लिस्ट। लिस्ट वन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 and list 2 equal to 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, so union kya hota hai? Chalo hum ek union ek list banate hain. Union is equal to empty list. So union kya karta hai? जो डुप्लीकेट वैल्यू होता है उसको डिस्कार्ड कर देता है। जैसे यूनियन वाले लिस्ट में जो वैल्यूज होंगे, अगर दोनों लिस्ट का वैल्यू अगर हम इसमें डालें तो यूनियन लिस्ट का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारा यूनियन हो गया कि इसमें जैसे ही इसने देखा कि 3, 4, 5 पहले वाले लिस्ट में भी है, उसने इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया और सीधे 6, 7 को टाइप कर दिया। Whereas intersection का हम एक लिस्ट लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करता है? इंटरसेक्शन एक्चुअली कॉमन वैल्यू का सेट होता है। सो इंटरसेक्शन में आएगा 3, 4 और 5। तो हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे हमारा प्रोग्राम खुद यूनियन का ये वैल्यू टाइप कर दे और इंटरसेक्शन का ये वाला वैल्यू टाइप कर दे। तो लेट्स राइट अ प्रोग्राम गाइस। फॉर यूनियन पहले हम यूनियन का एक लिस्ट ले लेते हैं एंड इंटरसेक्शन। अब हम पहले यूनियन के लिए कोड लिखेंगे। सो फॉर आई इन एल वन हम लूप चला रहे हैं। इफ आई नॉट इन यूनियन यूनियन डॉट अपेंड, एक्चुअली इसको हम लोग स्मॉल लेटर ही रखते हैं, इसको भी बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो फॉर आई इन एल वन यानी एल वन में जो आई है, यानी आई इज द लिस्ट ऑफ एल वन। इफ आई नॉट इन यूनियन, अगर यूनियन में आई नहीं है तो हमें अपेंड कर देना है यूनियन में उसे। यूनियन डॉट अपेंड आई, वैसे ही फॉर जे इन एल टू इफ जे नॉट इन यूनियन, यूनियन डॉट अपेंड जे। ओके, अब हम लिखेंगे इंटरसेक्शन के लिए प्रोग्राम। इंटरसेक्शन और इसमें भी हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इन एल वन इफ आई इन एल टू इंटरसेक्शन डॉट अपेंड आई और नीचे हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट योर यूनियन लिस्ट कॉमा
यूनियन सेम वे फ्रेंड्स योर इंटरसेक्शन लिस्ट इंटरसेक्शन। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सो ये देखो गाइस, हमारे यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 सिंस डुप्लीकेट वैल्यूज से उसने हटा दिया प्रोग्राम ने, और इंटरसेक्शन वैल्यू में 3 4 5 यानी जो कॉमन वैल्यूज है। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।